हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक 500 वाट का पावर इन्वर्टर, जिसमें मैं ये करने वाला हूँ 40-47 IC। तो चलिए बनाते हैं वीडियो। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो एक हमारे भाई उन्होंने कमेंट भी किया था कि भाई एक ऐसा इन्वर्टर बनाओ जो इंडक्टिव लोड ले सके। तो चलिए, बस उन्हीं की परवाह से और भी कई लोगों ने कमेंट की तो ये वीडियो मैंने बनाई है। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मेरे पास 40-47 IC। तो इनके जो वायर हैं वो इस प्रकार से मैंने लगाए हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने लगाए थे सेम उसी तरीके से हैं। तो चलिए मैं इसमें कुछ कंपोनेंट लगाता हूँ जिससे बोर्ड कंप्लीट हो। तो ये मेरे पास 1UF का 50 वोल्ट का कैपेसिटर, तो इसको आपको इसकी एक नंबर पिन से लगाना है। दोस्तों, इसमें हम इन्वर्टर में एक लो पावर डिटेक्टर बनाने वाले हैं, जैसे जो बैटरी आपकी लो हो जाती है तो आपका बैटरी शो करेगा। ये मेरे पास 103 का वो प्रेजेंट, तो आपको इस प्रकार से लगाना है। वैसे मैं इसका साइकिल सर का डाइग्राम आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको लगाना है। जिसकी एक नंबर पिन है, जो मिडिल पिन होती है उसको लगाना है, और जो इसका वो 40-47 की दूसरा नंबर पिन है उसको प्रेजेंट से लगाना है। उससे वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए, ये मेरे पास 78-09 जो आपकी जो 40-47 IC उसको ड्राइव करने के लिए है। जैसे आप इसमें 78-08 भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने लगा लिए। तो ये मेरे पास 10 UA का 50 वोल्ट का कैपेसिटर, इसको आपको जो उसकी IC है हमारी 78-09 उस पर लगाना है, जो 9 वोल्ट आपका आउटपुट निकलेगा। ये मेरे पास IR 540 N MOSFET, इसका जो आउटपुट रहता है डाटा शीट है उसका 100 वोल्ट, और आपका शायद 44 एम्पियर जो आपका इसका जो निकालते हैं आउटपुट निकालते हैं, तो आपको इसको यही निकालनी है। वैसे आप इसमें IRP 150 NV MOSFET यूज कर सकते हैं, वो काफ़ी पावरफुल MOSFET है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं ये वाली यूज करने वाला हूँ। ये भी काफ़ी पावरफुल इन्वर्टर है रहेगा। तो ये है मेरे पास, देख सकते हैं आप, ये मेरे पास 150 ओम की रेजिस्टेंस। आपको इसको लगाना है इस प्रकार से। ये देखिए, मैंने लगा लिए। तो ये देखिए, अब हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये मेरे पास, ये देखिए 12K की रेजिस्टेंस। ये आपको उसके ग्राउंड और जो आपकी जो हमारे गेट पेन उससे उसके साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये मेरे पास TL-431, जिसमें हम लो पावर जो आपकी लो बैटरी डिटेक्टर बनाने वाले हैं। जैसे जो बैटरी आपकी है, अगर करंट आपका बैटरी में जो कम हो जाता है तो ये शो करेगा कि बैटरी का करंट कम हो चुका है। तो ये मेरे पास 103 का 10K का प्रेजेंट। इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको दे दूंगा, अलग अलग दे दूंगा जिससे आप समझ सके अच्छी तरीके से। तो ये मेरे पास 2.2K की रेजिस्टेंस, आपको जो 78-09 जो आपका इनपुट है 12 वोल्ट प्लस के लिए उसमें लगाना है। और ये मेरे पास 1K का रेजिस्टेंस, ये देखिए इस प्रकार से आपको लगाना है। ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से सर्किट है आपका। तो अब बारी इसमें एक ट्रांसफार्मर की। तो ये देखिए, ये मेरे पास 12012 का 5 MVA का ट्रांसफार्मर, प्योर कॉपर वाला ही ट्रांसफार्मर आपको यूज करना है, क्योंकि उसका सबसे बेस्ट आउटपुट निकलता है। दोस्तों, हम इसको एक फ्रेम में लगाने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मेरे पास कार्डबोर्ड का फ्रेम है, इसमें मैं लगाने वाला हूँ इसको। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी बारीकी से बनाया है, थोड़ा टाइम लग गया इसमें, लेकिन मैंने इसमें एक ही चीज़ आपको बताई है, काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है। तो आपके ट्रांसफार्मर के जो वायर है उसको भी आपको लगा लेना है। ये देखिए, ये लगा लिए मैंने। तो दोस्तों, आपको इसमें बढ़िया वाला ट्रांसफार्मर ही होता है वही यूज करना है। तो ये मेरे पास 220 ओम के रेजिस्टेंस, जो आपके जो रेजिस्टेंस है वो सॉरी जो आपके मॉस्फेट है उस पर लगाना है, और जो आपको उसकी जो 11 नंबर और जो 10 नंबर पिन है उसके साथ कनेक्ट करना है, जो आपके 220 ओम रेजिस्टेंस थी। तो चलिए, अभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने कनेक्ट कर लिए।
ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने अब लगा लिया ग्राउंड का, आप ये देख सकते हैं मॉस्फेट में जो ग्राउंड गला है उससे लगाया है मैंने। ये देखिए, तो ये देखिए आइए आपका प्लस वाला है वो भी लगा लेना इस प्रकार से, लेकिन मैं इसमें स्विच भी लगाने वाला हूँ। ये देखिए ये मेरे पास प्लग कनेक्टर 220 वोल्ट के लिए आउटपुट के लिए। तो ये मेरे पास फ्यूज है, ये देख सकते हैं आप, ये फ्यूज फ्रेम है। इसको मैं इसको जो बैकग्राउंड है उस पर पीछे लगाने वाला हूँ, जैसे अगर आपका कोई ओवरलोड या प्रोटेक्शन ज़्यादा पड़ता है उस पर जो आपके 220 आउटपुट होता है उस पर, तो ये कट कर देगा लाइट को, फ्यूज खराब हो जाएगा आपका। फिर लेकिन आपके जो मॉस्फेट है इन्वर्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको अभी पीछे से जल्दी से लगा लेता हूँ इस प्रकार से। तो ये लगा ली मैंने, तो जो आपके जो 12 वोल्ट की इनपुट है उसके लिए निकाल दिया वायर और ये आपका फ्यूज लगा दिया है। ये देख सकते हैं, इसलिए मैं बाहर लगाया क्योंकि आप अगर जब चाहें या फ्यूज हो जाए तो बाहर से ही खोल के आप दूसरा फ्यूज इसमें लगा सकते हो। तो ये मैं स्विच लगा लिया इसमें, इसमें दो LED लगाएँ, या एक आपके लिए पावर ऑन ऑफ के लिए, एक आपका उसके जो आपका जब आपकी जो बैटरी लो होगी तब ये डिटेक्ट करेगा। तो ये देखिए इसके जो कनेक्शन है पूरी तरीके से मैंने कर लिए हैं कंप्लीट। तो दोस्तों अब बारी इसे पूरी तरीके से अंदर कसने की, तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं कस लेता हूँ। ये देखिए, चलिए ऐसे चेक करते हैं पहले काम कर रहा है यानी। ये देखिए काम कर रहा है, ग्रीन आपका LED जल जल चुका है। तो दोस्तों इसमें जो मैंने कार्डबोर्ड यूज किया है आप और कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो आप। तो ये देखिए, तो अभी मैं बंद कर दिया है। तो दोस्तों अब बारी इसे कुछ चेक करने की, तो सबसे पहले मैं इसे क्या चेक करूँगा, तो ये देखिए कंप्लीट है पूरा इन्वर्टर आपका। तो चलिए ऐसे मैं चेक करने वाला हूँ, ये का आपका कूलर, ये देखिए जो पानी वाला कूलर होता है वो चेक करने वाला हूँ। तो चलिए चेक करते हैं, मेरे पास 12 वोल्ट की कनेक्शन नहीं है तो इसलिए मैं जो आपका ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट निकाला है 12 वोल्ट के लिए उससे मैं चेक करने वाला हूँ। तो चलिए इसे जल्दी से चेक करता हूँ, मैं कूलर चलाते हैं। ये देखिए आपका LED जल चुका है। ये देखिए चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। वैसे मैं इसको पहले भी चेक किया है, पहले भी जो आपका इन्वर्टर पहले मैं बना के चेक किया है, मॉस्फेट हैं आपके जो कोई भी गर्म नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, नहीं ज़्यादा जो आपकी बैटरी का ज़्यादा ही लोड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ पहले चेक कर लेता हूँ उसी के बाद बनाता हूँ। तो अब इसी में LED चेक करने वाला हूँ। ये देखिए मेरे पास LED है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको मैं अभी लगा लेता हूँ, चालू करते हैं। तो ये देखिए चालू हो चुका है, ये देखिए रेड LED जल चुका है। तो अब ये चालू होने वाला है।